मैं कस्बा सूरतगंज निवासी मोहम्मद आसिफ, हेतमापुर मार्ग पर मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, जहां पर मैं रात में सो रहा था, मेरा जगलीटर चोरी हो गया जो पुलिस चौकी के चंद कदम दूरी पे था। आप ये बताइए कि शुभ नाम आपका क्या है? मोहम्मद आसिफ। कहाँ के निवासी? सूरतगंज। सूरतगंज। थाना कौन सा? थाना मोहम्मदपुर खाला। चौकी? चौकी सूरतगंज। सूरतगंज। ये हेतमापुर रोड पड़ता है? हेतमापुर रोड पे दुकान है हमारी। क्या समस्या है? हमारी जगलीटर, रात में हम सो रहे थे, जगलीटर का इंटीलेटर चोरी हो गया। चोरी हो गया। कितने बजे की घटना है ये? घटना लगभग 12:30 बजे की। क्या आप जान पाए कि किसने ये चुराया? ये हमको नहीं पता है। और हमारे भतीजे का एक मोबाइल भी चोरी हो गया, रियलमी। अच्छा। लगभग इसकी कीमत 12,000 है। आपको कितने बजे इसकी जानकारी हुई कि चोरी हो गया? हम 2:30 बजे रात को जब सो के उठे, तब देखा कि सामान हमारा नहीं। तो आपने क्या, थाना कौन सा लगता है? थाना मोहम्मदपुर खाला। चौकी? सूरतगंज। तो आपने लिखित प्रार्थना पत्र क्या? प्रार्थना पत्र मैं चौकी इंचार्ज को दिया हूँ। कहाँ? लिखित, सूरतगंज चौकी पर। चौकी इंचार्ज को आपने दिया? जी। क्या दिया उसमें? उसमें दिया कि हमारा इंटीग्रेटर चोरी हो गया। और मोबाइल? मोबाइल रियलमी जो 12,000 की कीमत है, वो भी चोरी हो गया है। लिखित प्रार्थना पत्र दिया आपने? हाँ जी। तो इसमें क्या आप चाहते हैं, क्या करें? हम चाहते हैं कि उसको ढूंढ कर कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। क्या है? कब की घटना है ये? आज रात 12:30 बजे। 12:30। तो क्या जो है, आपने प्रार्थना पत्र दिया है, तो क्या चौकी से कोई यहाँ आया है? अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा। प्रार्थना पत्र आपने किस लिए दिया है? कि हमारा सामान खो गया, इसलिए दिया हमने। अच्छा अच्छा। चोरों के ऊपर कार्रवाई ठीक बताने के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।